हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद ज्ञान। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एनआईटी के बारे में जो कि कम परसेंटेज या कम परसेंटाइल या कम मार्क्स वाले चीज़ बच्चे को भी अच्छी ब्रांच मिलने का चांस होता है एनआईटी अगरतला में। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो सब मैं एनआईटी कवर करूंगा आने वाले समय में। आने वाले कुछ दिनों में आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से एनआईटी में आपको कम कम नंबर के लिए या कुछ ज़्यादा नंबर के लिए भी अगर आपको एनआईटी उपलब्ध हैं तो मैं बताने की उसकी कोशिश करूंगा। एनआईटी अगरतला उसमें से एक है जो बहुत लोगों को नहीं पता कि इसकी रैंक काफ़ी नीचे तक जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता जिसके कारण इसको सेलेक्ट नहीं कर पाते। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना सभी चीज़ों को। देखो, अगर मैं राउंड सिर्फ जनरल वालों की बात करूं, ठीक है, अगर जनरल बात की बात करूं तो आप देख सकते हो कि मैं उसकी कटअप की बात कर रहा हूं। बेसिकली राउंड सेवन तक आते आते मैं आउटसाइड स्टेट, ये जो HS देख रहे हो ना, बेसिकली ये होम स्टेट बता रहा है। और आउटसाइड स्टेट मतलब किसी भी भारत के किसी कोने से आप जान सकते हो। अभी जो मैंने डार्क किया है, बेसिकली ये जो राउंड देख रहे हो आप वो आउटसाइड स्टेट। इसमें आप देख सकते हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली 44,000 पे है। ये जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप देख रहे हो 44,000 तक, यानी आपको 44,000 तक आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बात की बात करूँ, केमिस्ट्री आपको 42,000 तक मिल जा रही है, यानी प्रोडक्शन 1,000 आपको 44,000 तक रैंक मिल जाएगी। यानी आपको इसके लिए 96% तक मेहनत करनी है, वहाँ तक आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात बता रहा हूँ, जैसे अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हो, ठीक है, स्पॉट राउंड में बहुत लोग सीटें छोड़ देते हैं, तो अब यहाँ देखो सीधे मैजिक हो जाता है, 77,000 तक आपको एक सीट मिल जाती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक NIT में। और मैं बता दूँ, अगर आपकी फैमिली इनका कम है तो NIT में आपको बिल्कुल फीस नहीं लगता, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है, 77,000 तक आपको एक सीट मिल जा रही है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग NIT के अंदर स्पॉट राउंड जाने के लिए, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद आप देख लो 1,66,000 रैंक में आपको केमिस्ट्री मिल जा रही है, 1,66,000 में केमिस्ट्री मिल जा रही है। अभी हमेशा तो नहीं होने वाला कि 1,66,000 हमेशा हर साल चले जाए या हर इस साल के स्पॉट राउंड में चले जाए, लेकिन फिर भी आप उम्मीद तो कर सकते हो ना, 90,000 तक आपको कोई ना कोई चांस है यहाँ मिलने का। तो अब ये मैं वैलिड बता रहा हूँ, कॉलेज प्रवेश का वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर देख चेक कर सकते हो, बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल JEE से सेटिस्फाइड रैंक है, मतलब उनसे बिल्कुल कनेक्ट किया गया रैंक है, उनके एल्गोरिथम पे मतलब उनके डेटाबेस को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली 1,66,000 तक आपको सारी मतलब केमिस्ट्री मिल जा रही है। 1,66,000 यानी इट्स लाइक 86 84 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल में जनरल के बच्चे को अगर NIT में सीट मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ सीधे सीधे OBC वालों के लिए और SC ST के लिए, ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। OBC के लिए देख सकते हैं आप, अगर मैं स्पेशल राउंड 2 में चले जाऊं तो OBC में पहले मैं राउंड 7 में जाता हूं। राउंड 7 में आपको 14,000 तक आपको कोई एक प्रोडक्शन ब्रांच मिल जाती है। 14,000 मैं बता दूं, 14,000 अगर OBC में आपकी रैंक है तो यानी आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,00,000 के करीब होगी। यानी अगर आपकी OBC में 14,000 रैंक है तो यानी आपकी ऑल इंडिया परसेंटाइल 90 या 88 परसेंटाइल होगी। आप पहले से सोच सकते हैं कि अगर आप राउंड 7 में ही आपको अगर 88 परसेंटाइल है और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो सोच सकते हो अगर आप मैं वो स्पॉट राउंड में जाऊँगा तो क्या हालत हो जाएगी। स्पॉट राउंड में जाने में 1,00,000 तक अगर आपकी सिर्फ OBC के अंडर 1,00,000 में रैंक है तो भी आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जा रही है। यानी इसका मतलब ऑल इंडिया रैंक तो आपकी 4 से 5 लाख करीब हो रही होगी और उसमें आपको इस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जा रही है। यानी आप समझ सकते हो सिर्फ नॉलेज की कमी से बच्चे NIT नहीं ले पाते हैं। अगर जो भी एक वीडियो देखेंगे, जितनी ज़्यादा वीडियो फैलेगी उससे क्या होगा, लोग भी जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अगर कोई आपका दोस्त है जो परेशान है अपने मार्क्स को लेकर, आप उसमें वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ SC ST के लिए, सिर्फ जागरूकता की कमी है इसलिए बच्चे नहीं ले पाता ज़्यादा और स्पॉट राउंड नहीं जा पाते। SC में सीधे मैं स्पॉट स्पेशल राउंड में चलता हूँ। स्पेशल राउंड में देख सकते हो SC में बेसिकली यहाँ पे ऑल इंडिया जाने के लिए 2,15,000 तक मिल जा रही है सिर्फ SC कैटेगरी की रैंक तक। यानी आपको आपको बस फॉर्म फिल कर देना है SC के लिए, आपकी 7 से 8 लाख रैंक है, आपकी एडमिशन इसमें हो जानी है। सेम फॉर ST, सिंपली अगर ST के देखो तो राउंड 7 में देखो, अगर पहले मैं राउंड 7 की बात करता हूँ, राउंड 7 में देख लो आप यहाँ पे 4,801, ST में बहुत कम बच्चे भरते हैं फॉर्म इसलिए 4,881 फॉर्म है नंबर है बेसिकली। और स्पेशल राउंड 2 में देखो तो आप 2,27,000, यानी बिल्कुल जिसने पेपर दे के बस आ रखा है उसको भी सीट यहाँ पे NIT अगरतला में मिल जाएगी, बशर्ते आपको स्पॉट राउंड तक जाना है। राउंड 7 तक आपको देख रहे थे सिर्फ 44,000 में, 44,000 जनरल के लिए चाहिए था, लेकिन स्पॉट राउंड में वो 77,000 तक हो गया। तो आप स्पॉट राउंड तक आपको जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। स्पॉट राउंड क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में अभी अगली वीडियो में बताऊँगा, इसके बारे में आपको क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिल्कुल वैलिड प्रूफ है और ये बेसिकली जोसा का डेटाबेस यूज किया गया है,
ऐसी बहुत सारी एनआईटी के बारे में लाने वाला हूँ, बशर्ते आपको जो लाल वाला बटन दिख रहा हो उसको ग्रे करना है, और आपको अभी करना है बेसिकली। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर कीजिए, वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से रिलेटेड कंटेंट मैं आपको बताता जाऊँ। आज मैंने एनआईटी अगरतला की बात की है, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि आप बेसिकली 77,000 अगर आपकी जनरल में रहते हैं फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है, इवन 1,66,000 तक। उसी तरह से मैंने ओबीसी की बताई कि अगर ओबीसी में आपकी 1 लाख तक रैंक है सिर्फ ओबीसी ओबीसी में, तो भी आपके एडमिशन पॉसिबल है एनआईटी में। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब वो जो लाल वाला बटन है बिल्कुल बिल्कुल दबाएं। धन्यवाद।